सेवा के फील्ड में बने रहेंगे तो धीरे धीरे विचार सागर मंथन करने की भी टेव पड़ जाएगी। धन दान ही नहीं करेंगे तो विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा, फिर नंबरवार बन जाते हैं। जैसे हमारा भंडारी है, कौन है भंडारी है? एक दादी थी, किचन में बहुत अच्छा संभालती थी, बोली दादी, तो इनसे सब खुश होते हैं, तो जरूर इनको खुश सुख मिलना है ना। कोई सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर महिमा कैसे होगी? न काम करने से फिर उनका आधा फल खलास हो जाता है, तो खुशी से यज्ञ सेवा का सारा काम करना चाहिए। अब बाबा की सेवा करते हैं, जिस बाबा से हमको राजाई मिलती है, रात को विचार सागर मंथन उनका होगा, जो सर्विस पर तत्पर ही रहेंगे। अगर सर्विस फील्ड पर तत्पर ही नहीं रहते हैं, स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, तो फिर उनके सामने पाप ही आते रहेंगे। पाप के संकल्प ही उठते रहेंगे। ये बाबा स्वयं कहते हैं कि पाप किए तो फिर अराई से सजा खिलाऊंगा। ये कड़ी ती कड़ी सजा है।